जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आप लोगों की लैब नंबर 9 है, HTML लिंक्स। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों की मिड टर्म्स के बाद आई थिंक फर्स्ट लैब है, तो आज अभी तक हमने 8 लैब्स जो है वो कवर कर ली हैं। आज हम लैब नंबर 9 को कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों को एक असाइनमेंट भी गिवन था 10 मार्क्स का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो सबमिट भी कर दिया और उन सबके मार्क्स भी अपलोड हो गए LMS पे भी और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। अच्छा, और उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स को जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ उन कुछ को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे मार्क्स किसी के, मोस्टली स्टूडेंट्स के तो अच्छे ही मार्क्स हैं, 8, 9, 10 इस तरीके से ही मार्क्स हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स भी हैं और 7, 8, 9, 10 इस तरीके से काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और फिर भी आज की भी लैब में हम डिस्कस कर लेंगे इन द एंड ऑफ द लैब के आप लोगों की क्या मिस्टेक्स थी, क्या नहीं थी, किस चीज़ के ऊपर मार्क्स डिडक्ट हुए। एक एक का ज़ाहिर है मैं नाम लेके नहीं डिस्कस करूँगा, मैं ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हर टास्क के अंदर हैं उनको डिस्कस कर लूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है। बाकी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे ही मार्क्स हैं, ठीक है। श्योर। तो आज की हमारी HTML लिंक्स की लैब है, इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि लिंक्स में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लिंक्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड तो हम लिंक का देख ही चुके हैं पिछली लैब्स के अंदर भी कि किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, लेकिन अब इन डिटेल हम देखेंगे कि वेबसाइट क्रिएट करते वक्त कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिंक को इस्तेमाल करना और लिंक्स को यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, इसके पहले आप लोगों की आज की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, चलिए मैं नाम कॉल करूँ तो आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क करवा रहे हैं, मोहम्मद आदिल खान। अभी ही मार्क होंगी, अब जिसकी भी अटेंडेंस मार्क होगी इसके बाद जो है वो मार्क नहीं होगी, फिर आप भले चैट में लिख देना, लेकिन अभी ही जिसकी भी मार्क होगी अटेंडेंस मार्क होगी। अटेंडेंस का मकसद ये है कि आप ऑन टाइम क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को आप बता दें कि वो ज्वाइन कर लें ड्यूरिंग द अटेंडेंस, ठीक है। मोहम्मद आदिल खान, अनान फातिमा, अनान फातिमा, वजीहा वहीद, प्रेजेंट। मोहम्मद शहरियार, याया जी, या मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद सैयद जुहेब जी, सैयद जुहेब, मोहम्मद ताबिश जी, मोहम्मद ताबिश, मोहम्मद मुदब्बिर, सर याया ने चैट में लिख दी थी। जी मोहम्मद मुदब्बिर,
मोहम्मद उमेर खालिद, मोहम्मद अनस, प्रेजेंट मोहम्मद गुफरान, प्रेजेंट सर, अली सलाउद्दीन, प्रेजेंट सर, समीद वसीम, समीद वसीम, मोहम्मद हैदर जुल्फकार, प्रेजेंट सर, मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर, हफ्सा मुश्ताक, प्रेजेंट, मानूर आसिम जी, मानूर आसिम, शाजर खान, प्रेजेंट सर, सैयदा उनजिला, प्रेजेंट सर, नवीद अब्बास जी, नवीद अब्बास, आमना इकबाल, प्रेजेंट सर, हाजरा मरकूब, मोहम्मद मुश्तबा, प्रेजेंट सर, रहमतुल्ला, प्रेजेंट सर, मोहम्मद शमून, प्रेजेंट सर, अम्मार फहीम, प्रेजेंट सर, अनस अब्दुल जब्बार, प्रेजेंट सर, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर, हमजा अली, हमजा अली, मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर, सैयद वजदान अहमद, सैयद वजदान अहमद, सैयद मोहम्मद जफरयाब, सैयद मोहम्मद जफरयाब, अली मोहम्मद, प्रेजेंट, मोहम्मद उस्मान गनी जी, मोहम्मद उस्मान गनी, ठीक है, चैट में है अब्बास 9th कॉलम के अंदर, अगर किसी की एब्सेंट मार्क हुई भी है तो वो अभी ही बता दे।
ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लैब नंबर 9 के ऊपर, HTML लिंक्स। तो लिंक्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप लोगों ने पिछली लैब्स के अंदर भी कई जगहों पे लिंक्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, लिंक्स का कई जगहों पे आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लिंक्स बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, और इस लैब के अंदर हम इन डिटेल इसको देख लेंगे कि लिंक्स किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जब हम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सर्फिंग कर रहे होते हैं, या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग, अच्छा अटेंडेंस वाले जो भी हैं ये देख लेंगे एंड में, जितनी भी आप वेबसाइट्स के ऊपर सर्फ कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं होती जहाँ पर आपको लिंक्स का इस्तेमाल ना किया हुआ हो बैकएंड के ऊपर, ठीक है, लिंक्स का इस्तेमाल ना किया हो। तो लिंक्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, लिंक आपको हेल्प कर रहे होते हैं एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव करने के लिए, ठीक है। यानी आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ प्रेस करते हैं, तो या कोई टेक्स्ट को प्रेस करते हैं, तो आप डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। जोहेब आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपने लिख दिया है ना चैट में, अब क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा, इस तरीके से सारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो HTML लिंक्स जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी बटन के पीछे, या किसी भी टेक्स्ट के पीछे, जिसकी मदद से आपका जो है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप लिंक हो जाते हैं। आपका जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, वो कोई भी ऐसा बटन प्रेस करे, या कोई भी ऐसा लिंक को प्रेस करता है, जिससे वो डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंक्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स ऑफ लिंक्स हैं कि जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इस तरीके के लिंक्स होते हैं कि जिस जो आपको एक वेबसाइट के ऊपर आप हैं, और वो आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ही ले गया, ठीक है। दूसरी तरीके के लिंक होते हैं कि जो एक ही वेबसाइट है, जैसे कि facebook.com है, ठीक है। अब उसके अंदर ही उसका जो एक टाइमलाइन है वो एक पेज है, ठीक है। उसके अंदर आपकी प्रोफाइल है वो सेकंड पेज है, उसका मैसेंजर है वो थर्ड पेज है, फिर कोई और इस तरीके से सेटिंग्स हैं उसका डिफरेंट पेज है। तो वो डिफरेंट पेज हैं लेकिन वेबसाइट सेम ही है। तो इस तरह के भी लिंक्स होते हैं कि जो आपको एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर सर्व कराते हैं। यहाँ पे लिखा भी है लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ठीक है, ऑन द सेम। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ बताई हुई है, लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब पेज, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी वेबसाइट इस तरीके से सिंगल पेज वेबसाइट तो शायद चल भी जाएगी, लेकिन उसमें भी आपको पास लिंक्स लाजमी गिवेन होते हैं, बिकॉज दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। आज 2021 के अंदर मेरे ख्याल से ऐसी कोई वेबसाइट नहीं होगी कि जो सिर्फ सिंगल पेज ऐसी वेबसाइट है कि उसके अंदर कोई भी लिंक ना हो, ठीक है। और उसमें फिर लिखा है कि इनेबलिंग द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग और सर्फिंग, ठीक है। अच्छा, यू विल कॉमनली कम अक्रॉस द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिंक, इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से वर्क करें। तो पहला तो ये हो गया कि जो हम एक वेबसाइट से हमें दूसरी पे ले जाता है, जैसे कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप जैसे यहाँ पर गए ये W3 Schools की वेबसाइट पे, अब यहाँ पे आपको लिंक कहाँ पर यूज़ हुआ है, जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज पे मैं किसी भी यहाँ पर हूँ, ठीक है, HTML ट्यूटोरियल्स पे। अब मैं ये इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दोबारा ये होम पेज पे ले जाता है। इसका मतलब है इस W3Schools.com के पीछे एक लिंक अटैच हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि ये फेसबुक का यहाँ पे एक बटन गिवन है, ठीक है, फेसबुक के लोगों के साथ एक फेसबुक का बटन गिवन। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट पेज पे ले जाता है जो कि एक फेसबुक का पेज है, ठीक है। यानी कि मुझे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर देता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक्स हैं कि लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, यानी कि वो W3Schools चेंज कर दिया उसने, और वो हमें W3Schools वही रहा, और हमें उसने डिफरेंट ही वेबसाइट पे ले गया, फेसबुक पे ले गया, यहाँ पर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे ले गया, लिंक्डइन है तो हमें लिंक्डइन की वेबसाइट के ऊपर ले गया, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई और वेबसाइट्स हैं तो डिफरेंट वेबसाइट्स की लिंक गिवन है, या आप कोई मूवीज़ की वेबसाइट देखते हैं तो, या डाउनलोडिंग सॉन्ग्स वगैरह की वेबसाइट्स देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वेबसाइट एक ब्लॉग है कि जिसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक गिवन होते हैं, आपको लग रहा होता है वहाँ डाउनलोड का बटन गिवन है या
लेकिन वो डिफरेंट, वो एक ब्लॉक की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता, उसमें सिर्फ लिंक्स गिवन होते हैं हर वेबसाइट के, और वहाँ पे डाउनलोड या प्ले का बटन बना हुआ होता है, आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली वो जिस वेबसाइट के ऊपर वो सॉन्ग है वो आपको वहाँ शिफ्ट कर देता है, तो वो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ही शिफ्ट कर देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे फर्स्ट टाइप है कि लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। फिर आपके पास आती है कि जो एक ही पेज के अंदर डिफरेंट पेजेस पे ले जा रही है, जैसे कि ये एक ही W3 Schools की ही वेबसाइट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे learn.html के ऊपर क्लिक करूँ, यानी इस learn.html के ऊपर कोई लिंक अटैच हुआ है तभी इस पर क्लिक कर पा रहा हूँ, जब क्लिक करूँगा ये मुझे डिफरेंट पेज पे ले गई। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, आप देखेंगे ऊपर भी अगर आप इसके एड्रेस बार में देखें तो ये w3schools.com आ रहा था पहले, अब /html, यानी कि हमने html का पेज खोल दिया। अब मैं यहाँ पे css का पे क्लिक करूँगा, css ट्यूटोरियल्स खुल गया, तो यहाँ w3schools.com/css, यानी कि ये डिफरेंट पेज पे ले गया विद इन द सेम वेबसाइट। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली आगे सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ये किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, ये एक ही वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लिंक्स हम डिस्कस करेंगे जो इसी लैब के अंदर, वो हैं लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज। यानी कि अगर यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट है, इसमें कहीं पे एक जैसे यहाँ पे मोर का बटन दिया हुआ है, हाउ टू का या बूटस्ट्रैप का दिया हुआ है, मैं इस पर यहाँ पर इसी तरीके से कोई सपोज फुटर का एक दिया हुआ बटन और मैं फुटर पर क्लिक करूँ, वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर ले जाए। यहाँ पर कॉपीराइट्स का एक बटन गिवन हो, मैं कॉपीराइट पे क्लिक करूँ तो एक ही पेज के अंदर, एक ही वेबसाइट के एक ही पेज के ऊपर वो मुझे सबसे नीचे यहाँ पे कॉपीराइट्स की इंफॉर्मेशन जो गिवन है यहाँ पे ले जाए। फिर यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन बार का कोई बटन गिवन हो, मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिकली मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, खुद ही वो ऊपर चला जाए। तो मल्टीपल जितने सेक्शंस ऑफ द वेब पेज हैं, जैसे ये CSS ट्यूटोरियल्स का एक सेक्शन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स का एक सेक्शन है, ये एक यूज़ द मेन्यू का एक सेक्शन है, ये CSS टेम्पलेट्स का एक सेक्शन है। अब यहाँ कोई जैसे ये एक फ्री CSS टेम्पलेट्स का एक लिंक गिवन है, इस तरीके से यहाँ लिंक गिवन हो किसका, CSS ट्यूटोरियल्स का। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली क्लिक करने पर यहाँ पर पहुँच जाए। फिर यहाँ पर मैं दोबारा एग्जाम्पल्स पे के बटन गिवन हो या लिंक गिवन हो उस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे एग्जाम्पल्स पे ले जाए। तो इस तरीके के लिंक्स जो कि एक ही वेबसाइट के एक ही पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस पे आपको मूव करवाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिंक्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम वेब पेज। ठीक है, फिर चौथी चीज़ क्या हम डिस्कस करेंगे, वो है लिंक्स दैट ओपन इन अ न्यू ब्राउजर विंडो। यानी कि कई जगहों पर आप, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो ये सेम ही एक टैब है CSS W3 Schools का, उसी के अंदर जब मैं ये करता हूँ तो ये होम पे जाता हूँ तो होम है। ठीक है, जब मैं CSS सेलेक्टर्स पे जाता हूँ तो होम अब ख़त्म हो गया, CSS सेलेक्टर्स का पेज ओपन हो गया उसी टैब के अंदर। मार्जिन्स पे करता हूँ तो सेलेक्टर्स का ख़त्म हो गया, वो बैक के ऊपर चला गया और अब मार्जिन्स का खुल गया। लेकिन ऐसे लिंक्स क्रिएट करना कि जो आपको ये टैब, जो मेन टैब है ये तो ओपन रहे लेकिन जो नेक्स्ट टैब खुल रहा है वो डिफरेंट टैब में ऑटोमेटिकली खुल जाए, इस तरीके के लिंक्स किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं ये भी हम देखेंगे। कि जैसे ये फेसबुक है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम इधर ही नहीं खुल रहा, ये डिफरेंट टैब के अंदर खुल रहा है, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। फिर हमारे पास पाँचवीं चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है लिंक्स दैट स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस अ न्यू ईमेल टू समवन। यानी कई जगहों पर ऐसा होता है कि आपको किसी आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएं या कहीं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आप के पास होम होता है ऊपर, जैसे यहाँ पे होम होगा, अबाउट अस होगा, अवर प्रोडक्ट्स होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, तो आप कॉन्टैक्ट अस में अगर जाएं तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि आपको गिवन होता है कोई कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, एड्रेस गिवन है, ईमेल एड्रेस गिवन है, ईमेल या फिर कोई ऐसा लिंक गिवन है जिस पे लिखा है कि ईमेल अस नाउ। आप ईमेल अस नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी कंप्यूटर के अंदर इस गूगल क्रोम के अलावा आपके कंप्यूटर पे जो भी मेलिंग की एप्लीकेशन है, जैसे यहाँ विंडोज़ में मेल है, तो ये खुल जाती है और इसमें ऑटोमेटिकली मेल के ऑप्शन में
जो भी आपकी वेबसाइट ओनर है उसकी ईमेल यहाँ पे फ्रॉम में आपकी लिखी होती है और टू में उसकी ऑटोमेटिकली लिखी होती है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट जीमेल को सेलेक्ट किया हुआ तो जीमेल ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो ये इस तरीके के लिंक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पांच टाइप ऑफ लिंक हैं, इनको हम अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू लिया कि हम ये इन सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एचटीएमएल लिंक्स में कौन कौन से लिंक्स को हम क्या क्या नेम दिए हुए होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल्स। अच्छा, लिंक्स क्या हैं? लिंक्स बेसिकली आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। आप लिंक कर देते हैं आपस में। यूआरएल बेसिकली क्या होता है? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, या ये देखते हैं, इसको हम यूआरएल कह देते हैं, ठीक है। लिंक क्या होता है कि जो वेबसाइट का नाम है आपने किसी जगह पे दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट www के साथ ये आगे जितने उसमें स्लैश आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये एक यूआरएल कहला रहा होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी वेब पेज हैज़ इट्स ओन यूआरएल, ठीक है। हर वेब पेज का एक अपना यूआरएल होता है, हर वेबसाइट का नहीं लिखा है यहाँ। वेबसाइट का तो कोई ना कोई लिंक होता है, लेकिन हर वेब पेज यानी कि हर वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस यहाँ पर हैं, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस बने हुए हैं W3 स्कूल के अंदर की वेबसाइट में। एक सिंगल पेज वेबसाइट नहीं है ये, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, हर पेज से दूसरे पेज लिंक हुआ हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है। तो वो क्या लिखा है कि हर एवरी वेब पेज हैज़ इट्स ओन यूआरएल, ठीक है। फिर दिस इज द वेब एड्रेस दैट यू वुड टाइप इनटू द ब्राउजर इफ़ यू वांट टू विजिट द स्पेसिफिक पेज एंड एब्सोल्यूट यूआरएल स्टार्ट्स विद द डोमेन नेम फॉर दैट साइट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डोमेन क्या होती है? डोमेन वेबसाइट का नाम है। जैसे ये W3 स्कूल्स की जो मेन पेज है, होम पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो होम पेज है यहाँ पे लिखा है www.w3schools.com। सिंपली अगर मैं ये इसको देखूँ तो ये इस वेबसाइट की डोमेन है। आपने बहुत कॉमनली ये चीज़ सुनी होगी, डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग में क्या होता है कि डोमेन एंड होस्टिंग में जो डोमेन होती है वो उस वेबसाइट का नाम होता है, या उसका ये जो यूआरएल है ये होता है, ठीक है, जो उसके मेन पेज का नाम है। अब उसके अंदर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते जाएं तो वो अंडर डोमेन नहीं आते, वो रिलेटिव यूआरएल होते हैं। यानी कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है? जो आपकी वेबसाइट का नाम है या डोमेन है वो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है।